गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं कि इज़ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द प्रमोटर, प्रमोटर के द्वारा तैयार किया जाता है। फॉर द पर्पज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन इज प्रेजेंटेड बिफोर द रजिस्ट्रार अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट्स। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर आप कंपनी क्या करती है, प्रिपेयर करती है अकॉर्डिंग विद द कंपनी एक्ट 2013। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी इट इज एंड द असेंबलिंग डॉक्यूमेंट है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के द्वारा तैयार किया जाता है कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं कंटेन इंटरनल रेज ऑफ द कंपनी विच कैन बी सेट डेट असिस्टिंग रूल्स ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इन द कंपनी। इस डॉक्यूमेंट के अंदर रूल्स और रेगुलेशन को अटेन किया जाता है, ऑब्जेक्ट को बताया जाता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की तरह इसके अंदर भी क्या किया जाता है, अफेयर्स ऑफ द कंपनी स्मूथली आर स्टेटेड। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फॉर द रेनिंग ऑफ द कहते हैं कि फिक्स होता है ऑब्जेक्टिव। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कहते हैं कि जो कंपनी का ऑब्जेक्ट होता है वो अटेनिंग होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के अंदर क्या कहता है कि फिक्स द फंक्शनल एरिया ऑफ द कंपनी, वाइल द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन स्पेसिफाई टू हाउ वर्क गिवन विल बी डन, वट बी द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनल रूल्स रेगुलेशन एंड वट विल बी द राइट्स ऑफ द वेरियस पार्टी लाइक द ऑफिसर, शेयर होल्डर एंड द डिबेंचर होल्डर। सो द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नेवर इनकरेजेज अपॉन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंटेंट दिए हुए, सब्जेक्ट मैटर दिए हुए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का। फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं मोड ऑफ द रेटिफाइजेशन ऑफ द प्रीमरी कॉन्ट्रैक्ट। नंबर दो, डिवीजन ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ द शेयर एंड द राइट ऑफ द शेयर होल्डर, क्या क्या राइट्स होंगे। मोड ऑफ द इशू एंड द अलॉटमेंट ऑफ शेयर, जिनके नाम शेयर इशू होंगे उनको शेयरों के अलॉटमेंट के बारे में। फिक्सेशन करना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होगा। शेयर सर्टिफिकेट जो आपने इशू करना है, मेथड्स ऑफ इशू द शेयर सर्टिफिकेट वो भी बताना। रूल्स रिगार्डिंग कॉज ऑफ द शेयर, मोड ऑफ द इंक्रीज डिक्रीज रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द शेयर कैपिटल, पेमेंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, पेमेंट ऑफ कमीशन ब्रोकरेज देनी है किसी शेयर होल्डर को डिबेंचर्स को, कंसोलिडेशन एंड रिविजन ऑफ शेयर, रूल्स रिगार्डिंग मीटिंग ऑफ द कंपनी, कॉरम एडजस्टमेंट, प्रॉक्सी पूल एंड द चेयरमैन। आपको ये बताना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या क्या रूल है जो आप इसके अगेंस्ट किए जाते हैं। फिर आते हैं 12th के अंदर, अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर, पावर्स, ड्यूटी एंड द रेमुनरेशन। सबको बताना पड़ेंगे आपके पास क्या पावर है, क्या क्या ड्यूटी और क्या क्या सैलरी होगी, क्या प्रोविज़न होगा अपॉइंटमेंट करते मैनेजर का, मैनेजिंग डायरेक्टर का। रूल्स रिगार्डिंग यूज़ ऑफ द कॉमन सील, मेथड्स ऑफ कीपिंग एंड द राइटिंग बुक्स ऑफ द अकाउंट, कैपिटलाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट, प्रोसीजर आप जो शेयरों को फॉरफिट करवाते हैं, जबर कर लेते हैं, उन्हें दोबारा से इशू किया जाता है वो बताना पड़ेगा। फिर इसके बाद है रूल्स रिगार्डिंग प्रपोजल, वोटिंग राइट्स बतानी पड़ेंगे मेंबर्स के, पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन एंड उसकी लिमिट बतानी पड़ेगी, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड द रूल्स रिगार्डिंग इस पेमेंट, रूल्स जो आप बनाएंगे ही रिजर्व और फंड्स के मेंटेन करने के लिए, और प्रोसीजर आपने लास्ट में अडॉप्ट करना है यदि कंपनी को वाइंड अप करता है, कंपनी का बंद करना है, समापन करना है तो क्या क्या तरीक़ों से किया जाएगा। नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दोनों में क्या फ़र्क है। ऑब्जेक्टिव, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है डिफाइन करता है ऑफ द कंपनी, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या कहता है, डिफाइन द रूल्स फॉर द अथॉरिटी फॉर जो भी आपने अटेन किया है ऑफ द ऑब्जेक्टिव मेंशन टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फिर आते हैं इट इज़ वेरी वाइटल डॉक्यूमेंट, इट इज़ सब्सिडीज डॉक्यूमेंट। रिलेशनशिप, इसके डिफाइन किया रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द आउटसाइडर, इसके अंदर डिफाइन किया जाता है रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट आता है हमारा वैलिडिटी, द एक्टिविटीज जो इसके अंदर पावर होगी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर आर नॉट बी कंसीडर्ड परफॉर्म बाय द कंपनी, इवन ऑल द मेंबर्स कैन नॉट बी रेक्टिफाई।
इसके अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, पावर्स होंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, वो कंसीडर नहीं की जाएगी। कंपनी के सभी मेंबर्स को कैन नॉट बी रेटिफाई, उसे बताने की जरूरत नहीं होगी। इसके अंदर कहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर एक्टिविटीज़ जो होंगी बियॉन्ड द पावर ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वो बता दी जाएंगी क्या क्या पावर होंगी इसके पास, और उसके पास क्या बताएगा, आर नॉट बट दैट एक्टिवेशन इज पॉसिबल बाय द मेंबर्स। नेसेसिटी, इट इज़ प्रिपरेशन इज नेसेसरी टू गेट द कंपनी रजिस्टर्ड, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू प्रिपेयर द पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन द प्रोविजन ऑफ टेबल एफ अप्लाई द नेसेसरी ऑफ द प्राइवेट कंपनी। फिर आता है अल्ट्रेशन, इट कैन नॉट बी ईजिली अल्टर्ड, इसे आसानी से अल्टर नहीं कर सकता। मैनी मैटर्स रिक्वायर होते हैं, अप्रूवल करवाना पड़ता है कोर्ट से। इसके अंदर कहता है कि इट कैन बी ईजिली अल्टर्ड बाय द स्पेसिफिक रिजोल्यूशन, इसे किसी विशेष स्तर पर भी किया जा सकता है। फिर आता है नेक्स्ट प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस क्या होता है? द प्रॉस्पेक्टस कहता है कि एक थर्ड डॉक्यूमेंट है जो रिलेशनशिप बताता है फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। जनरली प्रॉस्पेक्टस के लिए इशू किया जाता है पब्लिक की कंपनी के नाम, ऑप्टेन किया जाता है पब्लिक के नाम से। द प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी जनरली इशू प्रॉस्पेक्टस बाय ऑप्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन का। इसका फैक्ट क्या है कि चीफ सोर्सेज के हैं, इसके अंदर अलग अलग पब्लिक रिकॉर्डिंग द बर्थ ऑफ ए कंपनी। इन दिस वे प्रॉस्पेक्टस एडवर्टाइजमेंट ऑफ ए कंपनी। कंपनी के एक्ट के अंदर कहते हैं कि प्रॉस्पेक्टस ओनली वही कंपनी कर सकती है जो कैपिटल को क्या करती है, इशू करती है। एक प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस इट्स बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग। यदि प्राइवेट कंपनी जल्दी से करना भी चाहती है तो पहले उसे इनकॉर्पोरेट में आना होगा। बट फॉर द पब्लिक कंपनी नेसेसरी, पब्लिक कंपनी के लिए ज़रूरी है क्योंकि पैसों का इकट्ठा करती है। पब्लिक कंपनी कलेक्ट द कैपिटल फ्रॉम द विल पब्लिक, इट विल बी इशू द प्रॉस्पेक्टस। पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा इकट्ठा करती है, इसलिए वो अपना पैसा इकट्ठा लगाकर वो क्या कर सकती है, प्रॉस्पेक्टस को इशू कर सकती है।